काउंटर मामले से जुड़ी बड़ी खबर, पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, बता दें कि मामले में 3 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। एनकाउंटर का ये पूरा मामला है जहां पे पुलिस के हाथ 3 बदमाश चढ़ गए हैं। अभी और आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीकर से, एनकाउंटर का पूरा मामला है, 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। फिलहाल पुलिस और आरोपियों की तलाश कर रही है। और इसी खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतवीर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। सतवीर, देखिए एनकाउंटर का ये पूरा मामला है, ऐसे में 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए, हालांकि और भी आरोपी है, उनकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। क्या ताजा जानकारी आपके पास इस मामले को लेकर? जी देखिए, मोमासर में जिस तरीके से जो डकैती का जो मामला हुआ था, उसके बाद में जो बदमाश थे वो गाड़ी लेकर जो फरार हुए थे, नाकाबंदी तोड़ी और नाकाबंदी तोड़ने के बाद में पुलिस पर फायरिंग भी की। इस दौरान मुठभेड़ में एक जो बदमाश है उसकी मौत हो गई थी और बाकी जो बदमाश है वो जंगल की तरफ भाग गए थे। फिलहाल पुलिस ने रात भर तक जो सर्च अभियान है वो चलाया। जो भीहड़ है वहाँ पर जो करीबन 200 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार सर्च कर रहे हैं और सर्च करने के बाद में देर रात उन्हें सफलता भी मिली। मामले के अंदर अभी तक 3 जो बदमाश है वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। एक बदमाश जब मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश जब भागने की कोशिश कर रहा था, उस दौरान उसके पैर में जो चोट है वो भी लगी थी, गोली लगने की जो बात है वो भी सामने आ रही थी, जिसके बाद में उसे घायल अवस्था के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद में जब उससे पूछताछ की गई तो 2 और बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मतलब मामले के अंदर करीबन 3 जो बदमाश हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, तो बाकी जो बदमाश है जो फरार है उनकी जो तलाश है वो पुलिस लगातार कर रही है। करीबन कई टीमें हैं जो पूरी तरीके से इस भीहड़ के जंगलों के अंदर उन बदमाशों के लिए सर्च अभियान चला रही है। DST की टीम लगातार जा रही है। फिलहाल पुलिस अधिकारी कल से ही यहाँ पर पहुँच गए थे और IG रेंज जो जयपुर है उमेश चंद दत्ता वो यहाँ पर पहुँचे थे। बीकानेर IG भी यहीं पर मौजूद थे और 3 जिलों के जो SP है वो भी यहाँ पर मौजूद थे। फिलहाल अभी भी जो सर्च अभियान है वो लगातार किया जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस बदमाशों में 2 और बदमाश के शामिल होने की बात है वो भी सामने आ रही है और 2 बदमाश अभी भी पकड़ से दूर हैं। फिलहाल जितने भी जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे जो पूछताछ है वो यहाँ पर की जा रही है। सभी को जो थाने के अंदर रखा गया है, माना जा सकता है कि पुलिस अधिकारी इस मामले को लेकर जल्दी जो एक प्रेस वार्ता है वो भी कर सकते हैं। जी सतवीर, देखिए 3 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए, लेकिन 2 और आरोपी हैं इस मामले को लेकर, उनकी लगातार तलाश जारी है, लेकिन पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज होने वाला है उन 2 आरोपियों की तलाश में। जी देखिए, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, क्योंकि डकैती की जो घटना है उसको अंजाम दिया, वहाँ से करीबन 100 से ज़्यादा किलोमीटर तक जो बदमाश है वो पुलिस को चकमा देते हुए आगे बढ़ते गए और उसके बाद में भी जो पुलिस की जो नाकाबंदी थी उसे भी तोड़ा और जहाँ ढांडन के पास में उनकी जो पुलिस से मुठभेड़ भी हुई, जिसके बाद में एक बदमाश मौके पर जो है मारा गया। सर्च अभियान रात तक चला था, देर रात तक जब दिन ढल गया था उसके बाद में काफ़ी कुछ परेशानियां पुलिस के जवानों को यहां पर देखने को मिली, क्योंकि अंधेरा होने के का फ़ायदा उठाकर जो बदमाश से भागने की फिराक में थे, लेकिन जो टीमें हैं वो लगातार सुबह से ही सर्च कर रही थी और जो ड्रोन के जरिए है वो भी मॉनिटरिंग यहाँ पर की जाती, पूरे ड्रोन के जरिए पूरा जो भीहड़ है वहाँ पर ड्रोन को उड़ाया गया और वहाँ से ये पता लगाने की कोशिश की, एक एक जो तस्वीर है वो ली गई है ताकि ये पता चल सके कि कहीं कोई बदमाश इन भीहड़ के अंदर छुपा हुआ तो नहीं है। खुद IG जयपुर जो उमेश चंद दत्ता हैं वो खुद भीहड़ में गए थे और पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके साथ में निगरानी की पूरी तरीके से, एक एक जो ड्रोन के जो वीडियो थे उनको भी उन्होंने देखा, तो माना जा सकता है और पुलिस ये दावा कर रही है कि जल्दी जो बाकी बचे हुए आरोप बदमाश हैं उन्हें भी जल्दी गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया जाएगा और फिलहाल जो सभी जो आरोपी हैं उनको थाने के अंदर रखा गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए सतवीर बहुत बहुत शुक्रिया।